इस इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 तीसरे एलिमिनेशन में अब आ रहे हैं अ मेन इन रेड एंड व्हाइट। लाफ्टर चैलेंज 4 में अब तक उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इस बार भी वो लेकर आए हैं खूब सारा डबल इम्पैक्ट एक्शन। प्लीज वेलकम द ओनली जोड़ी ऑफ आर एलिमिनेशन। इट्स टाइम फॉर सिकंदर सनम एंड वली शेख एज लाल बादशाह एंड सफेद खान। एंजॉय। ओ लाल बादशाह, अबे आ रहा हूँ सफेद खान, आ रहा हूँ मैं, आ गया। क्या ले? अस्सलाम वालेकुम शत्रु जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्धू जी। अरे उनको नहीं पहचाना? कौन है? बम्बई का किंग कोन बीकू मात्रे। तेरी बहन का पति को बीकू मात्रे। अबे भीकू मात्रे नहीं, लाल बादशाह। अजीब आदमी है। वैसे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आप मनोज वाजपेयी? मेरे पास से टूटी हुई चारपाई। आप हंसिका? ये पता नहीं बच्चा है किसका। बात सुन, हाँ एक बात बताओ। हाँ अब्बा ठीक है? अब्बा बिल्कुल ठीक है। वही वाले हैं? हाँ। अबे हाँ वही वाले। अच्छा अम्मा कैसी है? अम्मा बिल्कुल ठीक है। वापस आ गई? हाँ। अबे यार तेरे को कितनी दफा कहा तमीज से बात करा कर मेरे से। चल तमीज से बात करता हूँ। हाँ एक बात बता। हाँ मंडे वाले दिन फ्री है? फ्री हूँ। फ्राइडे वाले दिन फ्री है? फ्री हूँ। सैटरडे वाले दिन फ्री है? फ्री हूँ। पागल के बच्चे को काम धंधा क्यों नहीं करता बे? इनको कितना मजा आता मेरी बेइज्जती पे यार। पब्लिक की मजबूरी है, तेरी बेइज्जती बहुत जरूरी है। सिद्धू जी कल ये बड़ा जलील हुआ। आपने अब्बा के साथ जा रहा है, रास्ते में आसमान पे बिजली चमकी, इसके अब्बा ने पूछा ये क्या, तो बोल रहा है किसी ने हमारी फोटो खींची है। थोड़ा सा आगे गया, बारिश शुरू हो गई, इसके अब्बा ने फिर पूछा कि ये क्या, बोला हमारी तस्वीर धुल रही है। थोड़ा आगे गया, दो गधे आ रहे हैं, इसके अब्बा ने फिर पूछा ये क्या, तो बोल रहा है देखो तस्वीर धुल के भी आ गई। कल इसके अब्बा गए दुकान पे जाके सारे अंडे तोड़ दिए। मैंने पूछा चाचा अंडे क्यों तोड़ दिए, कहने लगे अबे दम घुटने से बच्चे मर जाएंगे। इसका अब्बा भी बहुत बड़ा जाहिल, कल अपने घर की छत पे चढ़ गया, हवाई जहाज को पत्थर मार रहा है। अरे मैंने बोला चाचा हवाई जहाज को पत्थर क्यों मार रहे हो, तो बोल रहा है मेरी बीवी पे लाइटें मारता है। कल ये अपने अब्बा के साथ फिल्म देखने चला गया, वो भी शत्रु जी की। शत्रु जी ने फिल्म में आकर बोला आज तो फिर आ गया कुत्ते, तो बोल रहा है भाई अब्बा लेकर आया है। वैसे इन सब बातों को छोड़ यार, फिल्म बनाते हैं यार। जिस तरह तेरा मुंह है ना, तू अंधेरी पे जाके पकोड़े बना। अच्छा एक बात बता। हाँ रोटी खा के एक जग पानी पी लेता? पी लेता हूँ। तू इंसान नहीं सांड है। अबे यार मैं बोला फिल्म बनाते ठीक है, और फिल्म भी वो बनाते शोले। अबे चल बे शोले बनाई थी अमीर लोगों ने। हाँ हमें गरीब, हम बनाते शोले की टक्कर पे आलू छोले, ताकि कम से कम आदमी पाव के साथ खा तो सके। नहीं यार अच्छा। फिल्म बनाते शोले। ठीक है ठीक है ठीक है। शोले में मैं गब्बर, शक्ल देख लगता है खच्चर। गब्बर। अबे यार बन जाना यार। चलो तू गब्बर। हाँ तुम्हें तू ठाकुर भी है, कालिया भी है, सांबा भी है। अबे चल बे। क्या हो गया? तू अकेला गब्बर? हाँ। और मेरे में इतने सारे आदमी घुसेर दिए। एक आदमी की सेहत देखो। अबे नहीं ना यार। अच्छा बस ये समझ ले कि गब्बर आता है। तो गब्बर गया कहाँ है? यहीं खड़ा है सामने। अबे नहीं ना। अच्छा बस समझ ले आता है। ठीक है गब्बर जा रहा है। ठीक है फिर आता है। ठीक है जा। गब्बर गया। पहला गब्बर है जिसके सर पे बाल ही नहीं है। कहाँ चला गया गब्बर? अरे ओ तांबा, बोलो तांबा। अरे ओ तांबा, कितने
पता नहीं सरदार, मैं तो बेहोश हो गया था। अरे हमने पूछा किसने आदमी से, बताने की क्या जरूरत है, पैसे गिनती कर लो। हमने पूछा कितने आदमी थे, 200 आदमी थे, लेकिन फिल्म में तो दो थे, तो फिर पूछता क्यों है। अरे ओ सामा, आहिस्ता बोल, मैं क्या छठे फ्लोर पे खड़ा हूँ क्या? इतना नहीं चीखा करो सरदार, तुम्हारा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अरे ओ सामा, हाँ सामा, कितने पूरे 50 रुपए। वो क्यों? क्योंकि सरकार को पता है तुम 50 से ज्यादा के आदमी नहीं हो। पचास पचास को दूर, जब बच्चा गो में रोता है तो माँ कहती है तू भौजा। गब्बर मामू आएंगे सारा दूध पी जाएंगे, गब्बर मामू आएंगे सारा दूध पी जाएंगे। अरे ओ बहुत यारा ना लगता है। तुम उससे क्यों पूछते हो, अपनी बहन से पूछो। तो ये ठाकुर का फौजी? ठाकुर का फौजी नहीं है वो, फिर वो है काली चिरन, मार मार के निकाल देगा तुम्हारा चूरन। आओ ठाकुर आओ। वो ठाकुर नहीं है वो, फिर वो सिद्धू पाजी है। बहुत चाल है इसके हाथों में। अभी आपने हाथ देखे हैं, बाकी चीजें देखी नहीं है। तो ठाकुर ने ये कव्वालों की फौज बनाई है। बेंजो बैंड, फिक्र मत करो, तुम्हारे बाप की बरसी पे इन्हीं को बुलाएंगे। तेरा क्या होगा कालिया? सदर सदर, दुआ करो बेटा हो जाए। क्यों, यहाँ पे तुम्हारी माँ का मुजरा होने वाला है क्या? दुनिया की कितनी ऊंची दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके, और तुम्हारे घर के दरवाजे भी इतने पक्के नहीं कि सांपों को 1 मिनट रोक सके। हल कर दिया यार। सुनो छमिया, थोड़ा सा हमको भी नाच गाना दिखा दो ना। देखो जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे सिद्धू भाई की साथ चलेगी, तुम्हारे पाँव रुके तो ये सपना चलेगा। नाचो। सहरा में मिलते हैं, गुलशन में बुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं।